हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। एट फर्स्ट, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस क्या होते हैं? मीनिंगलेस टू से दैट कि सेकेंडरी डाटा इज ऑलरेडी बी इन्वेस्टिगेटेड डाटा। सेकेंडरी डाटा जो है वो पहले ही इन्वेस्टिगेट किया जा चुका होता है, फिर से इसको दोबारा यूज किया जाता है। सम वन इन्वेस्टिगेट द प्राइमरी डाटा एंड देन दोज डाटाज आर यूज बाय सम वन एल्स एंड देन दिस डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। पहले से ही जो डाटा को लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया होता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों ने एज ए प्राइमरी डाटा, तो उसी का जब यूज कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो सेकेंडरी डाटा होता है और ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड होता है। तो इसके जो सोर्सेस होते हैं ऑलरेडी नोन टू एवरीवन, क्योंकि ये पहले ही इसको कलेक्ट किया जा चुका होता है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेस। सोर्सेस जो है वो क्या है, कहाँ से मिलता है? तो पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। वी कैन गेट द सेकेंडरी डाटा फर्स्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशन होते हैं वहाँ से हमें मिलता है। कैसे? वहाँ से हमें मिलता है, गवर्नमेंट समय समय पे अपने जो डाटाज होते हैं उनको शेयर करती है, पब्लिश करती है लोगों के बीच। जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट का एनुअल सर्वे होता है इंडस्ट्रीज का, सभी इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट सर्वे करती है एनुअली। उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं। फिर इंडिया ट्रेड जर्नल्स, इंडिया के जो ट्रेड जर्नल्स मीन्स वो जर्नल्स जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते हैं, तो यू कैन गेट द डाटा फ्रॉम इंडिया ट्रेड जर्नल्स। ऑल्सो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पब्लिश द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। एनुअल रिपोर्ट करती है एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, व्हाट इज द क्या क्या अपने को करना चाहिए आगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। इसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और वो सारे डाटा होते हैं, उसको एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, मतलब एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में मेनली वो चीज़ें आती हैं कि या तो पिछले ईयर में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ, ये सारी चीज़ें आती है। इसको भी गवर्नमेंट पब्लिश कराती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना बुलेटिन जारी करता है जिसमें पूरा ही आर्थिक मामलों के बारे में उसका लेखा जोखा रहता है, जो पब्लिश किया जाता है, लोगों को शेयर किया जाता है। तो उनसे आप देख सकते हो, उन जगहों से आप गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आप इन सारे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि पार्ट है सेकेंडरी डाटा का, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इसको कलेक्ट करती है और फिर जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। सेमी गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स। म्यूनसिपैलिटीज, एज यू नो दैट कि म्यूनसिपैलिटीज जो शहर होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज होती है, एंड जो बिग टाउन बिग सिटीज होते हैं वहाँ पे होता है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स। तो ये लोग अपने डाटा को भी पब्लिश करते हैं, इनका डाटा होता है रिलेटेड टू डेथ रेट, बर्थ रेट, ऑल्सो अबाउट द हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, मतलब कि जो वहाँ की नगर पालिका होती है वो समय समय पे अपने डाटा को पब्लिश करती है जिसमें उस शहर के बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं कि वहाँ पे वहाँ का बर्थ रेट क्या है, वहाँ की डेथ रेट क्या है, वहाँ के एजुकेशन लेवल क्या है, सैनिटेशन साफ सफाई की कैसी व्यवस्था, इनसे सारे आंकड़े वो पब्लिश किए जाते हैं, ये कहलाता है सेमी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कमीशंस बनाए रखते हैं, उन कमीशन का काम होता है कि समय समय पे वो अपना जो
इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो अपना सर्वे करते हैं, उसके जो डाटा है गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं और फिर वो पब्लिश होता है। तो जैसे आपने प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा, इस तरह से बहुत सारे कमीशन हैं, समितियाँ हैं जिसको गवर्नमेंट टाइम टाइम पर बनाती हैं और जो अपना पूरा डाटा उपलब्ध कराते हैं केस स्टडी के बाद, उसके बाद उनका सजेशन होता है एंड पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिकेशन करती है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हो कि UNO, IMF है, IMF मतलब UNO यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन बहुत सारे डाटा अवेलेबल कराता है, उसके जो सर्वे करे होते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उसी तरह से IMF का भी आता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में देशों को फाइनेंस उपलब्ध करवाती है, इंटरनेशनल संस्था है। और वर्ल्ड बैंक तो आप जानते ही हो कि विश्व बैंक इसको कहा जाता है। तो इन सारे संस्थाओं के जो इंटरनेशनली हैं, इनके जो इनसे जो हमको डाटा मिलते हैं वो सेकेंडरी डाटा के रूप में होता है, वो हमारे आगे काम आता है क्योंकि हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। वो सब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है उनके द्वारा, उन संस्थाओं के द्वारा, और फिर उसका हम यूज करते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी डाटा है। एंड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर, सेवरल टाइम यू हैव सीन इन द जर्नल। जर्नल्स मीन्स का मतलब होता है जो पत्रिकाएं होती हैं उनको जर्नल्स कहा जाता है, जो मंथली होती है, फोर्टनाइट वाली होती है, वीकली होती है। तो उसमें बहुत समय समय पर जो लेख आते हैं, और न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है वो लोग भी अपना इन्वेस्टिगेशन करके रेगुलरली अपना डाटा पब्लिश करते हैं, और जो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर होता है, अलग अलग विषयों के ऊपर होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक और है आगे हमारा, ये पब्लिश डाटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब ये है अनपब्लिश डाटा। ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ा था सारे डाटा पब्लिश होते हैं, लेकिन ये जो हमारा है नेक्स्ट, ये है अनपब्लिश डाटा। ये था सब पब्लिश डाटा। अनपब्लिश डाटा में ये है कि कुछ ऐसे जानकारियां होती हैं, जो कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो स्कॉलर रिसर्चर्स जो अपना रिसर्च करते हैं, पर्सनली करते हैं, प्राइवेटली करते हैं, वो उनका रिसर्च का जो जो रिजल्ट होता है, उसका जो डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उनके पास रहता है, वो किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जब उस डाटा को हमें मिल जाए तो हम जब उसका यूज करें या कोई संस्था यूज करे तो वो कहलाएगा अनपब्लिश डाटा, और वो सेकेंडरी डाटा का पार्ट है। इसी तरह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो ईयरली एनुअली अपना असेसमेंट करवाते हैं, इंटरनल असेसमेंट करवाते हैं, उनसे जो डाटाज मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो डाटाज होते हैं जो अनपब्लिश्ड होते हैं, पब्लिश नहीं होते कहीं पे, तो ये अनपब्लिश डाटा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस क्या है, इन सारे डाटाज को हम यूज़ करेंगे, लेंगे जो पहले से ही कलेक्टेड है, लेकिन इसमें हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। प्रिकॉशन पहला है रिलायबल, ये डाटा शुड बी रिलायबल। इफ़ द डाटाज आर नॉट रिलायबल देन दीज आर मीनिंगलेस। अगर जो डाटा हम कलेक्ट ले रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, उसमें किसी तरह का शक शुबहा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है एडिक्वेट, डाटा इतना हो जो पर्याप्त मात्रा में हो। पर्याप्त मात्रा में होने का मतलब सफिशियंट हो। अगर हमको जितना चाहिए उतने डाटा नहीं अवेलेबल हो रहे हैं तो फिर वो हमारा सही रिजल्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट था सुटेबल फॉर पर्पज, जिस पर्पज़ के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पर्पज़ के लायक है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर हमारे पर्पज़ के लायक है तो वी विल टेक दोज डाटा फॉर आवर यूज़। एंड देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो डाटा है वो एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, है कि नहीं, एक्यूरेसी लेवल क्या है, जितनी एक्यूरेसी की लेवल हम उसमें मान के चलते हैं क्या वो हमारे काम में आएगा। अगर हमारा कोई पर्पस जो है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, एक्यूरेसी मीन्स आप समझ सकते हो सटीकता, करेक्टनेस, तो अगर बहुत ज़्यादा करेक्टनेस वाला डाटा हमारा जो पर्पस है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो फिर ये डाटा हमारे हो सकता है कि उतना काम का ना हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम इनको कलेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।